है गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, मतलब कि मेरे पास ये हैं फ्राइम्स। मैं इसको फ्राई करने वाला हूँ पैन में, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे फ्राई होते हैं और कैसे कैसे ये इतने इतने छोटे हैं और ये कैसे बड़े होते हैं। गाइस, जब फ्राई करते हैं तो देखने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। सो गाइस, आप लोग देख रहे होगे यार, ये पैन और ये रहा अब फ्राइम्स। इसको मैं फ्राई करूँगा तेल डाल के। और पहले तुम भाई मुझे क्या करना है, तो गैस ओपन करनी है। गैस भाई ओपन हो जाए यार। सो गाइस, मैं यहाँ पर गैस ओपन कर दिया हूँ, और इसके बाद मैं लेता हूँ लाइटर और स्विच ऑन करते हैं और फिर गैस को फ्लेम करते हैं। सो गैस, आप देख रहे हो गैस जल चुकी है, अब हम पैन इसके ऊपर चढ़ाएंगे। गैस देख सकते हो, अब कम से कम 2-3 मिनट के लिए पैन को हम हीटिंग करेंगे, और उसके बाद हम ये ऑयल है सरसों का ऑयल हम इसमें डालेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये फ्राइम्स को आप देख रहे होगे, लेकिन हम इसको पोपड़िया भी बोलते हैं अपने गाँव की भाषा में, लेकिन इंग्लिश में फ्राइम्स बोलते हैं इसे। सो गाइस, इस पे हम डालते हैं ये ऑयल। सो गाइस, इतना ऑयल ठीक रहेगा आप फ्राइम्स को फ्राई होने के लिए। सो गाइस, आप देख सकते हो जब ये ऑयल हीटिंग होगा तो इसमें से धुआं निकलेगा, मतलब कि धुआं ऊपर उठेगा, लेकिन गाइस ये वीडियो में कैप्चर नहीं हो सकता शायद, जो मैं देख रहा हूँ। सो गाइस, मुझे लगता है कि तेल जो है ये गर्म हो चुका है, अब इसको हम डालते हैं इस पे फ्राइम्स को। गाइस मैंने नहीं डाला, थोड़ा और डालता हूँ। ओ भाई कैसे बड़े हो रहे, ओ माय गॉड, ओ जल गया यार, लग रहा है तेल ज़्यादा गर्म हो गया। भाई भाई कैसे बड़े हो गए, कितने ज़्यादा बड़े हो गए यार, एक मिनट किस पे रखूँ, इसी में रखता हूँ। ओ भाई कितने बड़े हो गए, गाइस थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए थोड़े ये जल गए हैं, लेकिन गाइस ठीक है, ट्राई करते हैं। गाइस देखना 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 कैसे बड़े होंगे। ओ भाई, ओ भाई कैसे बड़े हो रहे हैं। गाइस देखो, इनका शेप कितना छोटा था और ये कितने बड़े हो गए। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितने बड़े हो गए, मतलब कि ये इतने छोटे होते हैं, इसको फ्राई करो तो कितने बड़े हो जाते हैं। गाइस आप देख सकते हो, मेरे पास कुछ और बचे हैं, ये भी हम डालते हैं। तो गाइस डाल दिया मैंने। ओ भाई कैसे गर्म हो रहे हैं। ओ थोड़े और बचे हैं गाइस मेरे पास। कैसे बड़े हो रहे भाई। सो फाइनली गाइस, ये रहा हमारा फ्राइम। एक्चुअली गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो बना होता है ये बीट का बना होता है, मतलब किसके साथ साल्ट और बहुत सारी मिक्स बहुत चीज़ें मिक्स किया जाता है, और फिर इसको सेलिंग की जाती है मार्केट में। हम इसको तला के, मतलब कि हीटिंग करके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, फिर हम इसको खाते हैं। गाइस ये जनरली यूज़ किया जाता है स्नैक्स में और ब्रेकफास्ट में, और कभी भी आप खा सकते हो जब आपका मन हो, छोटी मोटी चीज़ और कुछ हल्का सा खाने का मन हो। तो गैस ये काम मैं ही करता हूँ ऐसा, और गैस अगर आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस खाने में जाता है। चलो ट्राई करते हैं खा के ये लगता कैसा है। सो गैस ये है, लेट्स ट्राई। सही है, लेकिन गैस मैं बता दूँ, ये जो होता है ये बीट का होता है,
और बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो मक्के की भी बनी होती है, मतलब कि मेज की बनी होती हैं, लेकिन इसके साथ साल्ट मिक्स किया जाता है कंपनी में, मतलब कि जो कंपनी होती है मैनुफैक्चर कंपनी इंडस्ट्रियल कंपनी ये मैनुफैक्चर करती हैं और इनमें मिक्स करती हैं साल्ट और बहुत सी चीज़ें स्पाइसी जो होती हैं, जो एरोमेटिक स्पाइसी होती हैं वो सारी चीज़ें इन सब में मिक्स किया जाता है, तब ये खाने में टेस्टी लगता है। लेकिन गाइस ठीक है, गैस टेस्ट तो मज़ा आ रहा है लेकिन खाने में भी ठीक है। गैस ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है जैसे कि मैगी हो गया और माइक्रोनी हो गया, पास्ता हो गया, ये सारी चीज़ मैनुफैक्चर करके बनाई जाती हैं, मतलब कि इनमें मिक्स किया जाता है बहुत सी चीज़ें जैसे कि साल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, बहुत सारी चीज़। तो फाइनली गाइस बहुत खा लिया, मन भर गया है। हेलो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, भाई करना तो बोलना मत यार, ये छोटी सी वीडियो है और शॉर्ट ब्लॉग है, आई होप आपने कुछ सीखा होगा यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर भाई कर दो।